हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने मेरे थंबनेल को देख ही लिया होगा, जैसा कि दोस्तों मैंने अपने इस कॉन्सेप्ट बनाया हूँ रिपब्लिक डे के ऊपर। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं। सबसे पहले दोस्तों आपको ओपन कर लेना है PicsArt। जैसा कि दोस्तों मैंने ओपन कर लिया PicsArt को, फिर फ्रेंड्स आपको एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसको इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। फिर फ्रेंड्स आपको अपने जो अपने बैकग्राउंड को इरेज कर रखा होगा उस फोटो को कर लेना सेलेक्ट। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने अपने बैकग्राउंड को मैंने सेलेक्ट करके एडजस्ट कर रखा है, ताकि फ्रेंड्स ऐसा कर लिया ताकि जल्दी मैंने कॉन्सेप्ट को बढ़ा दिया और ताकि इसमें ज़्यादा लंबा वीडियो ना जा पाए। फिर फ्रेंड्स आपको जाना है ऐड फोटो में, वहाँ से एक फ्लैग को डाउनलोड कर सेलेक्ट कर लेना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको अपने हैंड में पकड़ना, जैसे कि फ्रेंड मैं पकड़ा रहा हूँ। फ्रेंड्स आपको इसी पोज के थ्रू आपको फोटो खिंचवाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड्स मैंने इसे एडजस्ट कर लिया और इरेज वाला आइकन पे क्लिक कर लिया, कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब इसे इरेज करेंगे ताकि ऐसा लगे कि हमने इसको फ्लैग को हमने अपने हैंड में पकड़ रखा हो। जैसे कि देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने अपने हैंड को मैंने कर रखा है फ्लैग में, पकड़ लिया अपने हैंड को हैंड में। आपको भी इसी तरह कर लेना है। ठीक है, फिर फ्रेंड्स आपको कर देना है सेव। फिर जाना है फ्रेंड आपको ऐड फोटो में, वहाँ से फ्रेंड्स आपको एक और PNG सेलेक्ट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इस हेयर PNG को मैंने सेलेक्ट कर लिया है और फ्रेंड्स आपको अब इसको एडजस्ट करना है अपने लगाना अपने हेयर पे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, आप उसी तरह करिए। फ्रेंड्स आपकी मर्जी, अपने हेयर PNG लगा भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, फिर आप इसे साइड से कर लीजिए इरेज, ताकि फ्रेंड्स वो इसके नेचुरल में आ जाए, इसके जो हमने हेयर PNG लगा रखे हैं। जैसे कि फ्रेंड्स देख सकते हैं कि मैंने कर लिया है। फिर जाएंगे फ्रेंड्स इफेक्ट पे, फिर वहाँ से लोमो सेलेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स आपको ये है वो लोमो मिलेगा आपको एफएक्स में। ठीक है, वहाँ से आप इसे इजीली ढूंढ सकते हैं, मिल जाएगा आपको वहाँ पे लोमो। ठीक है, फिर आपको विग्निटी को कर देना फुल और अमाउंट को कर देना कम। फिर आपको कॉर्नर वाला आइकन दिखा, उस पर क्लिक करके फिर ब्रश वाले आइकन पर क्लिक करना है और साइज को कर लेना छोटा। फिर आपको ओपेसिटी भी कम करनी है और हार्डनेस को भी कम कर लेना है। अब इसे साइड से कर दीजिए अब ब्रश, कर लेने का फ्रेंड्स आपको कर देना इसे सेव। फिर जाते हैं फ्रेंड्स एडजस्ट पे, वहां से इसने ब्राइटनेस को हम कम कर लेंगे और सैचुरेशन को भी कर देंगे, सैचुरेशन को वहीं पे रहने देंगे फ्रेंड। ठीक है, और ह्यू को थोड़ा बढ़ा लेना है और हाइट लाइट को भी थोड़ा इंक्रीज कर देना है। शेडो आपको कर देना कम। फिर टेम्परेचर को भी कर देना है कम कर देना, ताकि फ्रेंड्स इससे ऐसा लगे कि हमारा जो है हेयर PNG एकदम हमारे सेट पे, हमारे जो दो जो हेयर है उसके साथ सेट कर जाए पूरा। कर लेने के बाद फ्रेंड्स आपको जाना है ऐड फोटो पे, वहाँ से फ्रेंड्स आपको एक और PNG सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने अपने PNG को मैंने कर लिया सेलेक्ट, आपको भी कर लेना है। आपको ब्लेंड पर क्लिक करना है और स्किन कर देना है और इसे कॉर्नर साइड आपको सेट कर देना है। ठीक है, मैं कर रहा हूँ उसी तरह, आप भी इसे ध्यान से करना। ओके फ्रेंड, फिर सेकेंड वाले PNG को कर लेना सेलेक्ट और ब्लेंड पे जाके स्किन करना है आपको।
फिर आपको फ़ोटो कर देना सेव। सेव कर लेने के बाद आपको जाना है टूल्स पे, वहाँ से आपको लेना है एडजस्ट पे जाके और ब्राइटनेस को बढ़ा लेना है, कोने वाले के क्लिक करके ब्रश वाले जाना है और साइज को कर देना है छोटा, और ओपेसिटी को भी कर लीजिए कम और हार्डनेस को भी कम, ताकि फ्रेंड्स अपने फेस पे ग्लो लाना थोड़ा। अब ओपेसिटी को बढ़ा लीजिए, फ्रेंड्स आपको करना है अपने क्लोथ पे, जैसे कि फ्रेंड मैं कर रहा हूँ अपने क्लोथ पे, आपको भी इसी तरह, ताकि फ्रेंड्स ऐसा लगे कि इसमें ग्लो है वो क्लोथ पे भी आ रहा हो, एकदम खिल रहा हो। जैसे कि फ्रेंड मैंने इसे कर लिया है, आपको भी कर लेना है, कर लेने का कर देना आपको फोटो सेव। फिर आपको जाना है ब्यूटी पे, ब्यूटी पे जाने के बाद फ्रेंड्स आपको थोड़ा शेडो लाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको कर लेना है सेलेक्ट ब्लैक कलर, जैसे कि मैंने कर लिया। पहले तो फ्रेंड्स अपने हेयर को, जो है हेयर कलर है उसको थोड़ा चेंज इरेज कर लेंगे, ताकि फ्रेंड्स उस पर भी ब्लैक कलर आ रहा है। अब फ्रेंड्स हमें इस पर थोड़ा शेडो लाना है, ठीक है, आपको इसी तरह करना होगा, ताकि फ्रेंड्स जो शेडो है एकदम आपको ध्यान से देखिए वीडियो को और पूरे अंत तक देखिए, ताकि आपको पूरा वीडियो समझ आएगा। साइड से आपको कर लेना है, इसको ब्रश कर लेना है, ठीक है। फिर थोड़ा इरेज कर, अगर आपको इरेज करना हो तो उसके जो साइज को कम करके फिर साइड से इसे इरेज कर दीजिए। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने इसको पूरा कर लिया है। अब फ्रेंड्स आपको इसको अमाउंट कर बढ़ा लेना है थोड़ा, 69 पे रखना है, फिर आपको कर देना है इसे सेव, ठीक है। अब फ्रेंड्स आपको थोड़ा अब हेयर पीएनजी लाने के लिए दोबारा हेयर कलर पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, इसे आप सेव करेंगे, दोबारा हेयर कलर आ जाएगा, ठीक है। अब साइज कर देना छोटा और आपको अपने हेयर कलर पे अब करना थोड़ा ब्रश, ठीक है। और इसके अमाउंट को कर लेना कम, इसके बाद कर देना आपको फोटो सेव। सेव कर लेने का फ्रेंड्स आपको ओपन करने है लाइटरूम। जैसा कि मैंने अपने लाइटरूम को ओपन कर लिया और अपने फोटो कर लेना सिलेक्ट, जैसा कि मैंने कर लिया, आपको भी कर लेना है फोटो सेलेक्ट, ठीक है। फिर आपको जाना ऊपर वाला आइकन पे, सेलेक्टिविटी पे, वहाँ पे क्लिक करना है और प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके स्क्वायर वाला आइकन पे क्लिक कर लेना है आपको। फिर इसको आप अपने फोटो के हिसाब से आधा एडजस्ट करना है, ठीक है। फिर आ जाए लाइट वाले पे क्लिक करेंगे, फिर जो एक्सपोज है उसे कम कर लेंगे, फिर शेडो को भी कर लेना है कम और वाइट को भी कम कर लेना है और ब्लैक को भी कम कर लेना है। फिर इसके बाद कर देना फोटो, आपको कर देना इसे सेव। फिर सेकंड बार इसी तरह क्लिक करेंगे, फिर प्लस पे जाएंगे, फिर स्क्वायर वाला आइकन पे क्लिक करके इस बार ऊपर से करेंगे, ओके फ्रेंड। अब ऊपर से इसे कर दीजिए, उसको हाफ करना है आपको, ठीक है। फिर जाना लाइट पे, फिर एक्सपोज को कर देना कम, फिर सेव कर लेना आपको। सेव कर लेने के बाद आपको जाना है लाइट पे, टेम्परेचर पे, सॉरी फ्रेंड्स,
फिर वहाँ से मिक्स कलर पे जाना है, मिक्स टूल पे, फिर वहाँ से आपको रेड वाला आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करके ह्यू को बढ़ा लेना है और सैचुरेशन में कर देना है कम, ताकि फ्रेंड्स इस पर फेस ग्लो आ जाए, ठीक है। वॉल्यूम में इसको भी बढ़ा लेना है, फिर सेकंड वाला आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर सैचुरेशन को कर देंगे कम, सिचुएशन को कर लेना है कम आपको, और ह्यू को ल्यूमिनस को भी बढ़ा लेना है। फिर जाना है आपको येलो कलर पे, सॉरी दोस्तों येलो पे मत जाइए, आप सीधा जाइए ब्लू वाले कलर पे, और उसके बाद उसको पूरे टेम्परेचर कर लीजिए कम, -100 पे कम कर लेने के बाद फिर आपको ल्यूमिनस को बढ़ाना थोड़ा, फिर उसके बाद स्काई कलर दिख रहा है उस पर क्लिक करना है आपको और उसको बढ़ा लेना है 64 पे रखना है आपको और सैचुरेशन को -8 पे। फिर फ्रेंड्स आपको जाना है अगर हेयर कलर चेंज करना हो तो पर्पल कलर पे जाइए, वहाँ से आपको ह्यू को बढ़ाना है 13 पे और सैचुरेशन को भी बढ़ा लेना है और ल्यूमिनस को भी बढ़ा लेना है। फिर आते हैं आप फ्रेंड्स, यू को रखना है आपको 65 पे, जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स आ चुका है ग्लो। इसके बाद आपको जाना है कलर पे, कलर पे जाने के बाद फ्रेंड्स आपको जो टेम्परेचर दिख रहा है उसको रख रहे हैं -11 पे, और टिनिट को बढ़ा लेना है, सैचुरेशन को -3 पे रखना है। ओके फ्रेंड्स आपको टेम्परेचर को रखना है -14 पे, ताकि फ्रेंड आपका जो बैकग्राउंड है उस इफेक्ट में आ जाए, ठीक है। वैसे फ्रेंड तो एड नहीं करते हुए थोड़ा सा गलती हो जाता है तो आगे पीछे चल जाता है, ऐसी बात नहीं है, आगे नेक्स्ट टाइम से इसको थोड़ा अच्छी तरह सुधार करेंगे। ओके फ्रेंड्स फिर आपको जाना है मिक्स टूल पे, फिर उसके बाद आपको जो आपको फेस का, इसके बाद आप जाना है विग्निटी पे, फिर यहाँ पे आप अपने जो टेस्चर को बढ़ा लेना है और क्लियरिटी को भी बढ़ा लेना है। देख सकते हैं फ्रेंड्स में कितना ग्लो आ चुका है, और इसके बाद आपको विग्निटी को रखना है कम कर लेना, ठीक है। फिर यहाँ पर ग्रेन अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ाना था, क्योंकि फ्रेंड्स इसको ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आपके फेस पर ज़्यादा वो क्या कुछ बूंदे से आ जाएंगी, ठीक है, ऐसा मत कीजिए, इसको थोड़ा स्लो कम कीजिए। फिर उसके बाद आपको रखना है शार्प पे जाना है, जो स्क्वायर वाला ट्रायंगल आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है और शार्पिंग को बढ़ा लेना है, ठीक है। यहाँ पर नॉइज़ रिडक्शन दिख रहा है उसको भी बढ़ा लेना है, ठीक है। ऐसा करने से फ्रेंड्स आपको थोड़ा फेस में आपका ग्लो आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको कर लेना है फोटो को सेव, उससे पहले जैसे कि फ्रेंड्स आप देख ही सकते हैं कि मेरे अब इसमें फोटो में इफेक्ट आ चुका है, ठीक है। अभी इस फोटो को कर लेना है सेव, और इससे पहले दोस्तों अब आपको ओपन कर लेना है PicsArt, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अब हमें थोड़ा सा फॉन्ट डालना पड़ेगा रिपब्लिक डे के ऊपर, जैसे कि फ्रेंड्स मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसे इजीली डाउनलोडिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसे अपने हिसाब से एडजस्ट में करना है, ठीक है। फिर इस फोटो कर देना है सेव,